हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सलवार सिलना बताऊंगी। इसके लिए देखिए, ये मेरे पार्ट्स हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने किस तरह से सलवार की कटिंग की है, तो इसमें मैं आपको सिलना बताऊंगी। इसमें देखिए, ये मेरे पार्ट्स हैं और इनको यहाँ पर मैं इस तरह से कली जोड़ूंगी। फ्रेंड्स, इसमें आप कपड़े को सीधा उल्टे का ध्यान रखेंगे और ये मेरी जो कली है इसका भी ये सीधा हिस्सा है और ये पार्ट, इसमें मैं इसको इस तरह से जोड़ दूंगी। यहाँ पर मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी, फिर मैं इधर की तरफ मैं दूसरी कली रखूंगी इस तरह से और मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इस तरह से मैं इसको सिल दूंगी। इस तरह से मैं ये कली जोड़ दूंगी। ये देखिए, ये इस तरह से ऐसे रखेंगे तो ये सीधा आ जाएगा। इस बार मैंने कली को ऐसे रखा है और ये इधर आया है। कली मैं इस बार इधर रखूंगी और ये इधर की तरफ आएगा। ये देखिए इस तरह से, तो बीच में पार्ट है, दोनों तरफ कली है। इसको भी मैं इसी तरह से ही सिल दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे पार्ट है और ये दोनों तरफ कली। जब मेरी दोनों तरफ कली बन जाएगी, ये मैंने सिल दी है कली, तो ये इस तरह से एक साइड का पार्ट इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरी साइड का सिल लूंगी। इसी तरह से मैं दूसरे साइड का हिस्सा भी ऐसे ही रख दूंगी। ये देखिए इस तरह से, ये आसन है, मैं इसको इस तरह से ऐसे सिल दूंगी। इसको मैं इसमें जोड़ूंगी ऐसे और इसको फिर मैं उल्टा करके उधर से जोड़ दूंगी। इसको भी मैं इस तरह से उल्टा करूंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ध्यान दीजिए आप, थोड़ा इसको इस तरह से ही, ये देखिए, ये मेरा सीधा पार्ट है, ये सीधा है, ये इस तरह से, ये इधर मेरी सिलाई आ रही है तो मेरे आसन में भी सिलाई इधर ही आएगी। ये दोनों आसन मैंने सिल दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से। अब देखिए, मैं इसमें प्लेटें भरने का तरीका बता रही हूँ। आप सलवार को इस तरह से सीधा रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा आसन है जहाँ से मैं प्लेटें डालना शुरू करूँगी। सीधी तरफ से मैं प्लेटें डालूंगी, प्लेटें मेरी अंदर की तरफ आएंगी। इस तरह से प्लेटें डाल दूंगी। फ्रेंड्स, आप इसको ना इंची टेप की सहायता से भी ऐसे निशान लगा सकते हैं। इस तरह से करके यहाँ तक मेरी प्लेट आ रही है और यहाँ से मैं ऐसे 1.5 इंच लूँगी और फिर इस प्लेट को ऐसे, और यहाँ पे मैं 1/2 इंच की दूरी रखूँगी प्लेटों में। इस तरह से आप डालते चले जाइए, बहुत इजी है। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं एक कली और एक पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स, दो में प्लेटें डालूंगी। इस तरह से मैं पूरे कपड़े को ऐसे ही कवर कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए,
ये मेरी एक तरफ प्लेटें डल गई हैं, प्लेटें मैंने अंदर की तरफ डाली हैं, ये इस तरह से। मैंने इस बार मेरा कपड़ा बाहर की तरफ है, अगली बार कपड़ा मेरा अंदर की तरफ आएगा। इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से आप प्लेटें डाल लोगे। इस कपड़े को आप जहाँ से मैंने पहली प्लेटें डाली थी वहीं से ही आप शुरू करेंगे। ये देखिए रहेगा ये यहाँ पे, और ये इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से मैं ऐसे ही प्लेटें डालती जाऊंगी। आप आराम आराम से एक एक प्लेटें भी डाल सकते हैं, और एक साथ आप दो प्लेटें इस तरह से। ऐसे ही आप एक एक इंच की प्लेटें डालते जाइए। सलवार आपकी अगर थोड़ी हेल्थी लेडी की है तो आप इसमें प्लेटें छोटी छोटी डालेंगे, और कोई पतला है तो प्लेटें थोड़ी ज़्यादा आ जाएंगी, तो बड़ी बड़ी प्लेटें हो जाएंगी। तो आपकी प्लेटें जो हैं आपकी बेल्ट के अकॉर्डिंग डलेंगी इस तरह से। ये मैंने एक कली और एक पार्ट इस तरह से। ये फ्रेंड्स ये मेरी पैर की मशीन है, तो मैं इसमें आराम से दोनों हाथों का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी हाथ की है तो ये आप एक हाथ से इस तरह से करके और ऐसे पकड़ के कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी इस तरह से प्लेटें आ गई हैं, देख रहे हैं आप। ये मेरी प्लेटें आमने सामने आई हैं। अब मैं इसकी बेल्ट तैयार करूंगी। इसकी बेल्ट बनाने के लिए मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है जिसमें मैंने कटिंग करी थी। बेल्ट के लिए हम हिप का 4+1 इंच भी रख सकते हैं, हिप का 4+1.5 इंच भी रखते हैं। तो इस तरह से 4 तह लगा के मैंने इसको रखा है। अब मैं इसको तैयार करना बताऊंगी। ये देखिए मैंने इसको डबल किया है, और यहां पर मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। मुझे ये जितना नेफा चाहिए, ये देखिए यहां पर मैं इसको छोड़ दूंगी, ये इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2 इंच। मुझे 1.5 इंच का नेफा तैयार चाहिए, और मैं इसको यहां से वापस फिर कर दूंगी जिससे मेरी सिलाई निकले ना। अगर आप इसको यहीं छोड़ देंगे तो ये जल्दी सिलाई निकल के ही उधर जाएगा। और अब इसको आप इस तरह से खोल लीजिए, ऐसे खोलने के बाद इसमें आप इधर से सीधी सिलाई लगाएंगे ऐसे, इधर ऐसे सीधी सिलाई लगेगी और फिर इधर सीधी सिलाई। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इस तरह से इसका नेफे का गैप वो कर दिया। अब मैं नेफा बनाऊंगी, इसको इस तरह से मोड़ूंगी। फ्रेंड्स आप नेफे को 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप देखिए इस तरह से एक बार मोड़ूंगी मैं, और फिर वापस एक बार और मोड़ूंगी, ठीक है। इस तरह से आप सिलाई लगाइए पूरे पे, ये इस तरह से बनाएंगे आप। और एक तरीका ये है कि आप इसको पहले ये मोड़ लीजिए, इससे आपके नेफे में झोल भी नहीं आएगा, और बहुत ही इजी तरीके से आप बना लेंगे। पहले आप इसको पूरे में इसी तरह सिलाई लगाते चले जाइए, थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड ये मैंने इस तरह से बहुत थोड़ा कपड़ा मोड़ा है, इसमें आपका झोल भी नहीं आएगा। ये इसको इसी तरीके से पूरा सिल दिया है। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ा है। अब मैं इसको वापस जितना मुझे चाहिए, मैं इसको 1.5 इंच का नेफा रखा है मैंने अपना, तो
तो मैं 1.5 इंच मोड़ दूंगी इस तरह से, देखिए इसमें आपको झोल भी नहीं आया, बहुत ही आसानी से आपने ये बना लेंगे आप इसको। अब ये इस तरह से आपको कुछ नहीं करना, ये इसको आप लूज छोड़ेंगे। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो झोल आएगा, आप इसको आराम से ऐसे करेंगे। ये देखिए मैंने ऊपर का लूज छोड़ा हुआ है और नीचे वाला ऐसे पकड़ा हुआ है, और मैं अब इसमें इस तरह से सिलाई लगा, देखा ये इसके बराबर आ गया। वापस फिर ऐसे ही करेंगे, फिर ऊपर वाले कपड़े को आप लूज छोड़ेंगे, ये देखिए, और आराम से इस तरह से सिलाई लगा। इसी तरह से आप पूरा नेफा तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहां पर इसकी बिल्कुल सीध में रखेंगे और ये इस तरह से आपका नेफा तैयार है। ये इस तरह से, ये देखिए, फ्रेंड्स ये आपका नेफा तैयार है। देखिए फ्रेंड्स ये नेफा है, इसको अब इस तरह से दो तह लगाई हैं मैंने और इस तरह से चार तह लगाई हैं। चार तह लगा के एक तो जो आपका नेफा है यहां पर एक कट लगा, और ये जो तह लगाई है यहां पर मैं कट लगाऊंगी। बेल्ट में चार कट लगेंगे, दो हमारे साइड में आएंगे, एक आगे और एक पीछे, इस तरह से। ये देखिए ये दो साइड में आ गए हैं, ये एक आगे है और ये पीछे है। इसको लगाने का तरीका बताती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये मेरी सलवार है, मैंने बेल्ट को सीधा रखा हुआ है और मैं ये सलवार को भी सीधा ही रखूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरी बेल्ट से थोड़ा फालतू आ रहा है कपड़ा, तो मैं पीछे वो लगाऊंगी, प्लेटें डालूंगी, तो इसलिए एक्स्ट्रा है। देखिए फ्रेंड्स जैसे मेरी बेल्ट रखी हुई है सेम इसी सीध में मैंने इसको रखा हुआ है, मैं इसको बेल्ट को ऐसे कर दूंगी। यहाँ मैं आगे का हिस्सा जो है आसन मेरा ये रहा, यहाँ से मैं इसको इस तरह से पकड़ूंगी और मैं इसको नीचे से सिलना शुरू कर दूंगी। मैंने आसन और ये मेरा नेफा यहाँ से मैंने शुरू किया है इस तरह से। देखिए ये मैं इस तरह से, ये मेरा जो कट है साइड का यहाँ तक मेरी प्लेटें आनी चाहिए, ठीक है, इससे आगे नहीं आनी चाहिए। प्लेटें इस निशान जो बेल्ट का निशान है वहां तक ही अपनी वो डालनी है प्लेटें, क्योंकि इससे सलवार काफी अच्छी लगती है, घूम आगे ही आ जाते हैं। ये देखिए एक कट मेरा ये हो गया, अब एक कट मेरा पीछे का है, ये देखिए ये मेरा कट है और ये मेरा आसन है। इसको मैं यहां रखूंगी और ये मैं एक प्लेट इसमें इस तरह से डाल दूंगी, देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये देखिए इस तरह से मैंने ये प्लेट अंदर की तरफ डाली है। ये मैंने इस कट तक कर दिया है, अब मैं अपने दूसरे हिस्से में इसमें इस प्लेट को इस तरह से ऐसे डालूंगी।
ये मैंने बाहर की तरफ डाली है इस तरह से। तो मेरे पीछे के हिस्से में दोनों साइड प्लेटें आ गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मेरा अब ये दूसरा कट आ गया है। चार कट थे, दो मैंने फिर इधर पीछे प्लेटें आई हैं, ये मेरा तीसरा कट है जो इस साइड में आया है, और ये आपका पूरा यहां तक इस तरह से कंप्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से मेरी ये प्लेटें आई हैं, मेरी बेल्ट तैयार हुई है एकदम अच्छे, एकदम परफेक्ट। दो ये साइड में कट है, एक आगे और ये पीछे। देखिए ये पीछे है और ये आगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं और इस पर इंटरलॉक भी करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें आपको क्या पूछना है। ठीक है, धन्यवाद।